नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ आज एक स्पेशल उपकरण के बारे में जानकारी देने के लिए, और उसका नाम है फर्टिलाइजर प्लेसमेंट टूल। इस उपकरण का फायदा यह है, पहला, जब आप खाद डालना चाहते हो तो कितनी मात्रा में खाद डालना है ये सुनिश्चित करता है ग्राम्स पर फीट। दूसरा, पौधों से कितनी दूरी पे खाद डालना है वो भी सुनिश्चित करता है। और तीसरा, सबसे मुख्य चीज, खाद कितनी गहराई पे आपको डालना चाहिए या गिराना चाहिए वो भी सुनिश्चित करता है। दोस्तों, अभी इस उपकरण की करीब से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, तीन टैंक है, 1, 2 और 3। दोस्तों, यहाँ देख सकते हो तीनों फर्टिलाइजर टैंक यहाँ स्थित है। अलग अलग खाद इसके अंदर डलेगा ज़रूरत अनुसार, कौन सा बीज आप डल रहे हो, कौन सा पौधा लगा रहे हो उसके अनुसार। पहला जो टैंक है जो पीछे की तरफ है, ये जहाँ पर बीज डलता है, यहाँ जहाँ आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो उस जगह पे ये खाद डालेगा कम मात्रा में। और जो बीच वाला जो टैंक है ये खाद डालेगा सबसे दूर, जहाँ जब पौधा बड़ा हो जाएगा और उसके जो जड़ सबसे लंबे हो जाएंगे वहाँ, उस जगह पे ये खाद डालेगा। सबसे पीछे वाला जो टैंक है तीसरा, पौधे के थोड़ी दूर पर ये खाद डालेगा। आइए, ये कहाँ कहाँ खाद डालेगा, इसकी डिलीवरी लाइन कनेक्शन कैसे हैं, उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप इस उपकरण के अंदर ये देख सकते हो, ये जो हरा रंग का जो पाइप दिख रहे हैं, 5 पाइप है एक तरफ, तो ये सारे ही जो है फर्टिलाइज़र डिलीवरी पाइप्स हैं। ये जो सारे पाइप हैं ये नीचे देख सकते हो, ये बूट हैं जहाँ पर फर्टिलाइज़र नीचे गिरता है उससे कनेक्टेड है। जब ये रिज पे चलता है तो बीच वाला जो पाइप है ये जहाँ बीज डलता है, यहाँ जहाँ पौधे लगते हैं उस जगह पर खाद डालता है, और सबसे कम मात्रा में, जैसे कि 1.5 ग्राम खाद ये वहाँ गिराता है, क्योंकि जब बीज स्प्राउट होके निकलने लगता है तो उसको खाद कम चाहिए होता है। जब पौधा उठ के बड़ा होने लगता है तो उसके जड़ें बढ़ने लगती हैं, तो थोड़ी दूरी पर, मतलब 6 इंच की दूरी पर, यहाँ देख सकते हो हमने 2 बूट लगाए हुए हैं, दोनों तरफ खाद डलता है। और 8 और 9 इंच पर जो पीछे वाले जो बूट दिख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा खाद, माने 7.5 ग्राम मात्रा में खाद डलते हुए चलता है, क्योंकि जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको पोषण ज़्यादा चाहिए होता है। दोस्तों, ये देख सकते हो, ये बीच वाला रो का मैन्योर गिराने का जगह है, और ये रो टू रो जो डिस्टेंस है ये आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। इस नट को लूज़ करते हुए आप इसको स्लाइड भी कर सकते हो, ज़रूरत अनुसार आप रो टू रो डिस्टेंस सुनिश्चित कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, खाद जो डेप्थ पे गिरेगा वो कितने गहराई पे गिरेगा उसकी सेटिंग भी आप आसानी से कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो एक आसानी से सेटिंग दिया गया है, इसको लूज़ करके आप इस शाफ्ट को ऊपर या नीचे करते हुए डेप्थ सेट कर सकते हो। इस उपकरण में आप पीछे की तरफ देख सकते हो 3 शवल लगाए गए हैं। इस शवल का काम ये है, ये फरों के अंदर चलेंगे मार्किंग करते हुए और मिट्टी चढ़ाने में मदद करेंगे। ट्रैक्टर की तरफ आप 2 सेटिंग कर सकते हो, एक है आपका लेवलिंग रॉड से आप सेटिंग कर सकते हो, उपकरण की हॉरिजॉन्टल लेवल ज़मीन के साथ सही है कि नहीं, और दूसरी जो है टॉपलिंग से आप सेटिंग करोगे, जैसे कि पीछे की तरफ जो शवल है वो सही डेप्थ ले रहा है कि नहीं, उसकी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलिए, और हाँ आने वाले सारे एपिसोड को बिना मिस किए देखना चाहोगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए। धन्यवाद।